हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद डीके में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भोवल और के बारे में जानने वाले हैं हैं चलिए देखते हैं भावल और कॉन्सोनेट क्या है देखिए दोस्तों भोवल भोवल भवेल का हिंदी क्या होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन भवेल ए, ए आई, ओ और यू को भवेल्स कहा जाता है ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड भवेल ए ई आई ओ यू इन पांच को क्या कहा जाता है भवेल भवेल की संख्या कितनी होती है पांच होती है भवेल की संख्या कितनी होती है पांच होती है उसके बाद है कॉन्सोनेंट ए ई -E आई ओ यू के अलावा बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहा जाता है ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए, ए, आई, आई, ओ ओ, यू कॉल्ड को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है कॉन्सोनेंट कहा जाता है कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है इक्कीस होती है कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है इक्कीस होती है उसके बाद देखिए दोस्तों सेमी भवेल सेमी सेमी भवल का हिंदी क्या होता है देखिए सेमी का तो हिंदी होता है आधा सेमी का आधा. मतलब आधा उसके बाद है मतलब आधा स्वर सेमी भोवल का हिंदी क्या होता है आधा स्वर देखिए W और Y को सेमी भवल कहा जाता है सेमी भवल किसे कहा जाता है तो डब्ल्यू और वाई को क्या कहा जाता है सेमी भवल कहा जाता है ये जब शब्द के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं जब डब्लू और वाई किसी भी वर्ड के शुरू में रहेंगे तो क्या कहलाएंगे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे जब जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं तब क्या कहलाते हैं भवल्स कहलाते हैं जब W और Y किसी भी वर्ड के शुरू में नहीं रहते हैं तब क्या कहलाते हैं भवेल कहलाते हैं तथा जब W और Y किसी भी शब्द के शुरू में रहेंगे तो क्या कहलाएंगे शुरू में नहीं रहेंगे तो क्या कहलाएंगे W एंड Y आर कॉल्ड सेमी when they दे आर द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड दे आर कॉल्ड when they दे आर नॉट इन beginning. चलिए इसे और विस्तार है, है सेमीवल कहा जाता है जब किसी भी वर्ड के शुरू में रहते हैं तो क्या कहलाते है? हैं कॉन्सोनेट कहलाते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर है यार। यहाँ पर है येल्लो डब्ल एल ओ डब्ल्यू यहाँ पर है वाट डब्ल्यू एच ए टी यहाँ पर है डब्ल्यू ए टी सी एच वाच देखिए यहाँ पर वाई यहाँ पर वाई यहाँ पर डब्लू यहाँ पर डब्लू इस ये क्या है वर्ड के शुरू में है तो यहाँ किसका साउंड आ रहा है यो का साउंड आ रहा है यारन में किसका साउंड आ रहा है यो का साउंड आ रहा है इसमें येलो में भी यो का साउंड आ रहा है वाट में भी वह का साउंड आ रहा है वाच में भी वह का साउंड आ रहा है य वह क्या है व्यंजन है य और वह क्या है व्यंजन है इसलिए इसे क्या कहेंगे कॉन्सोनेंट कहेंगे जब डब्ल्यू और वाई किसी भी वर्ड के शुरू में रहेंगे तो उसे क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं उसके बाद चलिए देखते हैं डब्ल्यू आर किसी भी वर्ड के अंत में रहेंगे तो क्या कहेंगे देखिए आप विंडो डब्ल्यू आया है अंत में यहाँ पे sky y आया है यहाँ पे new w आया है यहाँ पे try y आया है तो यहाँ डब्लू और वाई वर्ड के कहाँ है अंत में है यहाँ देखिए विंडो में किसका साउंड आ रहा है ओ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर sky में किसका साउंड आ रहा है ई का साउंड आ रहा है यहाँ पर new में किसका साउंड आ रहा है ओ का साउंड आ रहा है यहाँ में try में किसका साउंड आ रहा है ई का साउंड आ रहा है तो यहाँ ओ ई ऊ ई ये सब क्या है स्वर है तो इसलिए इसे क्या कहेंगे भवेल कहेंगे एक बार और समझ लेते हैं W और Y को क्या कहा जाता है सेमी भवेल कहा जाता है W और Y को क्या कहा जाता है सेमी भवेल कहा जाता है ये जब किसी भी वर्ड के शुरू में रहते हैं तब ये क्या कहलाते हैं कॉन्सोनेंट कहलाते हैं तथा जब ये किसी भी वर्ड के शुरू में नहीं रहते हैं अर्थात अंत में रहते हैं तब ये क्या कहलाते हैं भवेल कहलाते हैं उम्मीद करते हैं कि सेमी भवल आपको समझ में आ गया होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वर्ड के बारे में जानेंगे आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाय